आपराधिक मानहानि केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। इस मामले में कोर्ट राहुल को राहत देते हुए मुकदमा रद्द कर सकती है। आज राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने आरएसएस को एक संगठन के तौर पर महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए राहुल के हलफनामे को पेश किया। इसके मुताबिक राहुल ने आरएसएस के कुछ लोगों पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। कोर्ट ने भी माना है कि मामला खत्म करने के लिए इतना काफी है। कोर्ट के बयान के बाद अब याचिकाकर्ता ने वक्त मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 सितम्बर को होगी। कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद एक तरह से साफ हो गया है कि राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिलना लगभग तय है। देखते रहिए डीबी लाइव।